तो बात यह क्लियर हुई है वहां से कि मैंने पूछा, हमने कहा विपक्ष वाले तो बड़ा बवाल, तो मैंने यही बात वहां पर रखी। हमने कहा सर विपक्ष वाले कुछ लोग बहुत बड़ा र्यूमर फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हो गई है, ऐसा वैसा क्या है, सच्चाई आप बताएं। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जिनसे हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ ये सच है, वह लोग राजभर जी के आवास पर सुबह से बैठे हुए थे, राजभर जी गोंडा भी गए थे तभी वो लोग उन्हीं के आते, वह जब लखनऊ पहुँचे हैं तो उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को फ़ोन करके बात किया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हाँ यह मुद्दा मेरे जानकारी में है, मैं इन लोगों को नियुक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के मामले को निपटाने के लिए मैं 20 अगस्त के आसपास जो अन्य पार्टियां हैं जो कोर्ट में मतलब विपक्ष में हैं इनके अरसों के अगेंस्ट खड़ी हैं, जैसे भास्कर टीम या भारती पटेल टीम, दो टीम, इन टीमों को बुला करके मैंने सचिव को आदेश भी दिया है उन लोगों की, और इन लोगों को बैठा करके 20 से 25 के बीच में एक मीटिंग करूंगा, उस मीटिंग में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी या जो भी मतलब निष्कर्ष निकलेगा, यह बात उन्होंने फ़ोन पर कही है। बाकी इन लोगों की कोई मीटिंग किसी से नहीं हुई है, यह उनके फ़ोन को राजभर जी ने फ़ोन पर माननीय मंत्री जी ने मतलब बात की है फ़ोन पर, उसके बाद इन लोगों को जो बताया है वहीं ये लोग सुनकर चले आए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपना नाटक बता रहे हैं, इनके चक्कर मत पड़ो, ठीक है। इनकी फिलहाल कोई मीटिंग नहीं हो, बस इतना हुआ है कि हाँ उन्होंने फ़ोन पर बात किया, ये सच है। यह राजभर मान लीजिए कि हमारी राजभर जी से ही बात हुई है, लेकिन हुई है उन्हीं के आवास से ही, किसी से भी हुई हो ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है। उन्होंने कहा है कि हाँ हम लोग जो है क्लियर कर रहे हैं इन लोगों का मामला, कि जो भी अन्य पार्टियां हैं उन लोगों को भी मैनेज किया जाएगा, ठीक है, क्लियर किया जाएगा, सभी को बुला करके बैठाएंगे, जब सारा मामला क्लियर हो जाएगा उसके बाद इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी, यह बात उन्होंने कही है, ठीक है। बाकी कोई किसी की मीटिंग नहीं हुई है, ये लोग फर्जी अफवाह फैलाए हुए हैं, बाकी अभी भी लगे हुए हैं, कोई अन्य क्ल्यू निकलता है जो भी होता है आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि इन लोगों की नियुक्ति हो, लेकिन कम से कम इन लोगों के मुँह से तो एक बार निकलना चाहिए कि भाई अरसठ के अलावा भी कुछ लोग परेशान हैं या फिर उनका भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इन लोगों के मुंह से तो कभी ऐसा कुछ नहीं निकलता है। बस यही मामला था, इसीलिए हमने सोचा आप लोगों तक थोड़ा पहुंचा दी जाए बात, बाकी और वैसी कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी अभी जब आप लोग सुन रहे थे तो बीच में लाइव में डकैत बली का वीडियो आपने देखो, ध्यान से देखो, तो कहा भी उन्होंने कि बस बहुत जल्द एक सीढ़ी हम लोगों को मिल गई है, चढ़ना है इस पर, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग करते रहिए, बहुत जल्द आप लोग नियुक्ति मिलेगी। तो यह र्यूमर केवल सहयोग के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है, और लास्ट में बोला जाए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इन्हीं दो कामों के लिए बोला गया है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी से जब मीटिंग होगी तो हम लोग उसमें उपस्थित होंगे, यह आप सभी से वादा है, देख लेना, ठीक है। जब तक हम लोग नहीं रहेंगे तब तक इनकी कोई मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं और राजभर जी भी चाहते हैं जो हो सच हो, ठीक है, सही तरीके से हो, यह नहीं कि उसके बाद अभी आधा अधूरा हो जाए उसके बाद फिर दूसरी पार्टी आकर हो हल्ला करे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के मतलब हर चीज़ का नॉलेज है, और उन्होंने कहा भी है कि हम चाहते तो हैं लेकिन जो भी अन्य याचिकाएं इनके अगेंस्ट पड़ी हुई हैं उन लोगों को बुलाकर मामले को शांत करेंगे, बैठाकर सभी को हमारे सामने लाया जाएगा, ठीक है, बस इतनी बात हुई है। बाकी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बाकी इससे भी बेहतर जानकारी आप सभी को सुबह 12 बजे तक बताएंगे, कुछ बात अभी और निकल के आई है हम लोगों के लिए भी, हमारे और सुशील भास्कर के लिए भी, लेकिन वो बताएंगे नहीं क्योंकि लाइव में कल एक गलती हमसे छोटी सी गलती हुई जो कि राजभर जी को वो रिकॉर्डिंग हमने मतलब वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग केवल वायरल हो गई थी कि हाँ ये लोग भी राजभर जी से बात की, वो गलती ना किए होते तो शायद ये कुछ ना होता, ठीक है, मुख्यमंत्री जी से बात बिना आज ये करते, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, और भी कुछ हैं चांसेस लेकिन हम लोग बताएंगे नहीं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोग निश्चिंत रहिए।